दोस्तों नमस्कार। दीपावली दशहरा का सीज़न शुरू होने वाला है और आप इसको एंजॉय करते हुए अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इस सीज़न में एक बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट करूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो इस सीज़न में काफ़ी अच्छा चलेगा और इस सीज़न के बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इससे कमा लेंगे बस इस 2-3 महीने के समय में। तो अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो 5 आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएगा, उसमें से किसी भी एक को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस पूरे सीजन में। 5 बिजनेस एक से बढ़कर एक है, तो आपको पहला वाला अगर पसंद नहीं आता है तो दूसरा वाला जरूर आ जाएगा, दूसरा वाला नहीं आता है तो आपको आगे का 3 कोई पसंद जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है जो भी बिजनेस वो स्टार्ट कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे चैनल पर जब भी वीडियोस आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बिजनेस नंबर 1, अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है जो कि 9 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है और इसमें आप पूजा सामग्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह बिजनेस क्या है, इसमें पूजा का सामग्री आपको सेल करना होता है। इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको होलसेल में कर सकते हैं, यानी कि कहीं बाहर से आप सामान मंगवा कर और आसपास में जो भी पूजा दुकान है वहां पर आप उसको सप्लाई करेंगे। ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल का। दूसरा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं रिटेल का, यानी कि खुद का शॉप स्टार्ट करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं इस पूरे सीजन में। उसके बाद पूजा सामग्री का बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है। तो आप अगर एक अच्छे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं इस पूजा सीजन में तो आप यहां पर पूजा सामग्री का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में प्रॉफिट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जो पूजा का आइटम मिलता है, जो भी सामान रहता है, उन सामानों का प्राइस बहुत ही कम होता है और जिसको आप हाई मार्जिन के साथ बेच सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप इसको 50-60 हज़ार रुपये से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप छोटी लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं इस पूजा सीजन में तो आप यहाँ 15-20 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। और जैसे ही आपका इस सीज़न में पूरा अच्छा सा कमाई हो जाए उसके बाद आप इस बिजनेस को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 2, सबसे पहले आएगा नवरात्रि, उसके बाद आएगा दीपावली, उसके बाद आ जाएगा छठ। इसी तरीके से त्यौहारों का सिलसिला भारत में चलता ही रहेगा। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा बिकता है इस पूरे त्यौहार के सीज़न में नवरात्रि से लेके दीपावली और छठ तक, वो सबसे ज़्यादा होता है दीप और मोमबत्ती। तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियल दीप का भी बिजनेस कर सकते हैं और मोमबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मिट्टी के दिए आते हैं उसका भी आप व्यापार कर सकते हैं होलसेल में या फिर आप रिटेल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा सीज़न ही बस बिजनेस करना है तो आप इसको होलसेल में स्टार्ट करें, आप पूरा सीज़न कमा कर उससे निकल जाएंगे। अगर आप रिटेल में स्टार्ट करते हैं तो पूरा साल आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसलिए आप इस बिज़नेस को होलसेल में स्टार्ट करें, काफ़ी अच्छी खासी इनकम होगी। आर्टिफिशियल जो दीप आते हैं और काफ़ी वैरायटी के मोमबत्तियाँ भी बाज़ार में मिलती हैं, तो आप ऐसे मोमबत्ती डिज़ाइनदार खुशबूदार ऐसे मोमबत्ती का बिज़नेस कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके के दीप का बिज़नेस कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे दीप नए नए अभी दीपावली के सीज़न में आएंगे, तो अभी से आप अगर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाएंगे तो आप इस पूरे सीजन में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अगर इस बिजनेस की बात करें हम लोग तो इसको भी आप 20-30 हज़ार के अंदर ही स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 3, अब कोई भी त्यौहार आता है, जैसे अभी नवरात्रि स्टार्ट होगा, दीपावली स्टार्ट होगा, फिर छठ आएगा। दीपावली पूरे भारत में मनाया जाता है। ऐसे में जो लाइटिंग का बिजनेस है ये काफी तेजी से चलता है। जो हम लोग घर में सजाने के लिए लाइट्स लाते हैं तो इन लाइट का बिजनेस आप कर सकते हैं होलसेल में या फिर रिटेल में, दोनों बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। इन लाइट को आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगवा सकते हैं या फिर आपके आसपास में जो भी बड़ा सिटी है वहां से मंगवाइए इसको सस्ते दाम में। और एक लाइट आपको लगभग 10-15 रुपए का पड़ेगा जो कि आप आसानी से 50-60-100 रुपए तक भी बेच सकते हैं, काफी अच्छा खासा इसमें भी मार्जिन होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग लाइट का सिर्फ बिजनेस करके ही पूरा साल में जितना कमाएंगे उतना सिर्फ एक सीजन में कमा लेते हैं, यही मात्र नवरात्रि से लेके छठ पूजा तक। ये बिजनेस भी दोस्तों आप मात्र 20-30 हज़ार के अंदर शुरू कर सकते हैं इतने इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, काफ़ी मार्जिन है इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस भी एक लाभकारी बिजनेस है। अब आगे जो 2 बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कॉम्पिटिशन आपको कम देखने को मिलेगा और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी तक ये 3 बिजनेस में से कोई भी अगर पसंद आपको नहीं आया है तो ये दोनों आप अगर कर लेंगे तो आप इसमें इतना अच्छा पैसा कमा जाएंगे कि सीज़न ख़त्म होने के 3-4 महीनों तक आपको कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 4th बिजनेस है मूर्ति का बिजनेस।
दोस्तों इस जो पूजा सीजन में है काफ़ी सारी मूर्तियाँ बिकती हैं, तो आप जो लोग मूर्ति बनाते हैं उनसे आप मूर्ति खरीद सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल भी मूर्ति बनने हुए आते हैं, आप उनको भी खरीद के और इसको सेल कर सकते हैं। इसको सेल करने का भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको रिटेल में दुकान लगाकर इसको सेल करें। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। दीपावली में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूर्तियाँ सेल होती है, ठीक है। जो भी छोटे मोटे मूर्ति आती है इतने बड़े साइज़ के, तो आप इनका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस पूजा सीजन में काफ़ी अच्छा बिकेगा। इसमें ज़्यादातर गणेश लक्ष्मी का जो मूर्ति होता है वो ज़्यादातर बिकता है, तो आप मूर्ति का भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीज़न में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद भी बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं और उसमें भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बिकती रहती है। और आप आर्टिफिशियल जो मूर्ति आती है उसका अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसको पूरे साल भी कंटिन्यू रख सकते हैं अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर। यहाँ पर हमेशा पूरा साल बिकता रहता है मूर्ति, तो आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इस बिज़नेस में अगर इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें तो इसको भी आसानी से आप 20,000 से 30,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा इससे भी कमा सकते हैं। लास्ट बिज़नेस है दोस्तों डेकोरेटिव सामान का बिज़नेस, यानी कि सजावट का सामान का बिज़नेस। अब दीपावली, दशहरा, छठ, ये सब सारे जो त्यौहार आते हैं, इसके अलावा उसके बाद क्रिसमस भी आ जाता है, न्यू ईयर भी आ जाता है, तो इन सारे त्यौहारों में आपको सजावट का सामान काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सजावट का सामान इतने लो कॉस्ट में आते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये से स्टार्ट होता है और उसका प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 10 रुपये का जो सामान मिलता है, आप होलसेल में जाएंगे, जो 10 रुपये का मिल रहा है वो 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये तक का बिक जाते हैं आसानी से। तो इस बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है और आप इसको मात्र 10 से 15 हज़ार के अंदर भी शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस सीज़न में। और डेकोरेटिव सामान का जो बिज़नेस है ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद 26 जनवरी आ जाएगा, उसके बाद मकर संक्रांति आ जाएगा। तो इसी तरीके से त्यौहारों का सिलसिला हमेशा भारत में चलता ही रहता है और उसमें सजावट का सामान बिकता ही रहता है। तो ऐसे में आप सजावट का सामान का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इस पूरा सीज़न में। दोस्तों ये थे 5 ऐसे बिजनेस जिसको आप इस पूरे सीज़न में स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा तो कमा ही सकते हैं, इसके अलावा पूरे साल भी आप इसको कंटिन्यू करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। और इस वीडियो में आपको कौन सा आइडिया पसंद आया जिसको आप करने वाले हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई दोस्त है, बंधु है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।